हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल को। दोस्तों यहाँ पे रेलवे से और एक वैकेंसी निकल के आया है। जो पोस्ट है दोस्तों वो जूनियर इंजीनियर का भर्ती आया है। ये जो वैकेंसी है ये सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट है, पर ऑल ओवर इंडिया का सारे रेलवे जोन नहीं निकाला है, ये ओनली सेंट्रल रेलवे के तरफ से वैकेंसी निकल के आया है। दोस्तों यहाँ के पूरा डिटेल्स आप लोग को बताऊंगा कैसे आपको अप्लाई करना है। ये जो वैकेंसी है ऑल ओवर इंडिया का रिक्रूटमेंट है, कोई दिक्कत नहीं, पर आपको ज्वाइनिंग जो होगा सेंट्रल रेलवे में ज्वाइनिंग होगा। लास्ट डेट जो रखा गया है, लास्ट डेट यहाँ पे 5 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हो। चलते हैं दोस्तों इसका ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट में, वहाँ पर आपको सारे जानकारी दे दूँगा। दोस्तों अगर तैयारी कर रहे हो रेलवे के लिए, आप जेई के लिए यहाँ पे बहुत सारे स्टडी मटेरियल बना के रखा हूँ। एमसीक्यू क्वेश्चन का ई बुक बना के रखा हूँ, पीडीएफ फाइल में है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। और उसको हार्ड कॉपी अगर चाहिए, आपको बुक्स चाहिए, तो ये सारे स्टडी मटेरियल लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, उधर से आप डाउनलोड कर लीजिए। दोस्तों ये जो आप देख रहे हो ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, अभी जो दिखा रहा हूँ ये है इसका ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट। दोस्तों देख सकते हो सेंट्रल रेलवे के तरफ से ये वैकेंसी निकल के आ रहा है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो एंगेजमेंट ऑफ जूनियर इंजीनियर JR टेक्निकल एसोसिएट इलेक्ट्रिकल ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेस फ्रॉम ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। ये जो वैकेंसी है दोस्तों 1 साल के लिए है, पर आपकी जेई लेवल में ये वैकेंसी है। दोस्तों अगर अप्लाई करना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक देखिए। ये कॉन्ट्रैक्ट बेस में है, सेंट्रल रेलवे के तरफ से वैकेंसी निकल के आया है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो जो ऑनलाइन स्टार्टिंग हो चुका है 12 जुलाई से है, लास्ट मतलब ऑनलाइन शुरू हो चुका है, और इसका जो लास्ट डेट रखा गया है 5 अगस्त तक इसको अप्लाई कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पे ऑनलाइन फी आपको भी पे करना पड़ेगा, नहीं तो आपको अगर ऑफलाइन फी कर रहे हो तो आपकी 14 अगस्त तक यहाँ पे ऑफलाइन फी DD के जरिए में भेज सकते हो। तो इसका लिंक भी दे दिया गया है, मैं भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, उधर से चेक करिए। और इसको अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई करिए। टोटल वैकेंसी जो है टोटल 5 वैकेंसी है, टोटल 5th नंबर ऑफ वैकेंसी है। ऑन रिजर्व में 3 है और OBC में 1 है और SC में 1 है। दोस्तों वैकेंसी कम है, अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट कर रहा है तो ज़रूर इसको अप्लाई करिए, क्योंकि यहाँ पे जॉब के बहुत कंपटीशन हो रहा है। दोस्तों कोई भी जॉब आपको मिल रहा है, ये अभी कॉन्ट्रैक्ट बेस में है, कुछ दिन रहोगी तो आपकी रिलेटिव रिलेशन हो जाएगा, उसके बाद आप परमानेंट भी हो सकते हो। तो दोस्तों यही है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, देख सकते हो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। डिप्लोमा जो आपकी JEE लेवल जो वैकेंसी निकलता है, आपकी डिप्लोमा होना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो 3 ईयर डिप्लोमा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कोई भी ब्रांच में है तो अप्लाई कर सकते हो। जनरल कैंडिडेट के लिए मिनिमम जो है 60% रख रहे हो तो ही अप्लाई कर सकते हो। OBC के लिए 55 और SC ST के लिए 50, और जो एज लिमिट रखा गया है ऑन रिजर्व के लिए 33 और OBC के लिए 36 और SC ST के लिए 38 रखा गया है। एप्लीकेशन फ़ी 500 रुपया रखा गया है। दोस्तों इसको अप्लाई करने के लिए 500 फ़ी ऑनलाइन भर सकते हो, ऑफलाइन भी भर सकते हो। दोस्तों और दोस्तों जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, आपको रिटन टेस्ट लिया जाएगा, रिटन टेस्ट का भी सिलेबस दे दिया गया है। और दोस्तों यहाँ पे पूरा डिटेल्स दिया गया है, सिलेबस में कहाँ से कितना क्वेश्चन आने वाला है वो दे दिया गया है। ऑनलाइन अप्लीकेशन करने के लिए मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, उधर क्लिक करके आप इसको अप्लाई भी कर सकते हो। और दोस्तों जो ऑनलाइन करोगी तो फोटो सिग्नेचर यहाँ पे स्कैंड कॉपी मांग रहा है, और यहाँ पे देख लीजिए जो साइज में मांग रहा है वही साइज को आपको फॉलो करना पड़ेगा। 50 से 100 KB तक यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो फाइल साइज। उसके बाद दोस्तों जो सैलरी रहेगा आपकी ZClass City जो है, ZClass City आपको 25,000 मिलेगा, और YClass City जो है 27,000 मिलेगा, और XClass City जो है वो 30,000 मिलेगा। जैसे कि आपको मेट्रो सिटी में रह रहे हो तो आपको 30,000 मिलेगा, और अगर Y कैटेगरी का सिटी में रह रहे हो तो 27,000 मिलेगा, और अगर Z कैटेगरी सबसे लोअर कैटेगरी सिटी में रह रहे हो तो 25,000 मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आप इसको अप्लाई करना चाहिए। यही था दोस्तों पूरा डिटेल्स, और कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कोई भी दिक्कत हो रहा है, इसका एडवर्टाइजमेंट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, इसको ज़रूर अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करके जाइए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं, बाय बाय, जय हिंद।